फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी और प्लांट भी फूल भी अच्छी मात्रा में देगा। कलियां ड्रॉप नहीं होंगी क्योंकि गर्मी की वजह से पौधे में कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो यह समस्या भी नहीं होगी। गर्मियों में पत्तियाँ पीली पड़ना आम बात है, लेकिन यदि पोषक तत्वों की कमी से पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो मैं इस फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ें मिलाऊंगी जिससे कि पत्तियां पीली भी नहीं पड़ेंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसे अपने सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में फूल देने वाले पौधे, यदि इन पर ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं तो ये लगातार गर्मियों भर फूल देते रहेंगे, फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और प्लांट पर यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले दो से तीन बातें बता देती हूँ जो ध्यान रखने की हैं प्लांट के लिए। इस तरह से आपको सूखे हुए फूल हमेशा हटाते रहना है। यदि सूखी हुई पत्तियाँ हैं या फिर टहनियाँ हैं तो उनको भी आपको कट करते रहना है जिससे कि प्लांट में नई ग्रोथ होती रहे। दूसरी ज़रूरी बात, मिट्टी की आपको अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है जिससे जड़ों में अच्छी मात्रा में हवा पहुंच सके और जड़ें मजबूती से विकास कर सकें। गर्मियों के दिन हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको रेगुलर इसकी वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पॉट में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। प्लांट्स को दोपहर की तेज़ धूप से आपको बचा के रखना है क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी टेम्परेचर हाई होगा तो गर्म हवाएँ भी चलेंगी और गर्म हवाओं की वजह से प्लांट झुलस जाते हैं या उनकी पत्तियाँ जल जाती हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट को नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है और उसमें मैं यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। नाइट्रोजन से भरपूर होती है, प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्लांट की सॉयल को एसिडिक करने का काम करती है और हमारे जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं लगभग वो एसिडिक सॉयल ही पसंद करते हैं और उसमें बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती है। तो मैं ये एक बड़ा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती इसमें ले रही हूँ। दूसरी जो चीज़ इसमें मिलानी है वो है ये प्याज के छिलके। दो मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को अच्छी ग्रोथ देते हैं और फूल लाने में मदद करते हैं, तो इनको भी इसमें ही मिला लेना है। और जो तीसरी चीज़ है वो मैं फर्टिलाइज़र बनने के बाद उसमें ऐड करूँगी और उस चीज़ की मदद से आपका प्लांट हरा भरा घना होगा, पत्तियाँ चमकीली होंगी और पीली पड़कर गिरेंगी नहीं। इसमें हमें पानी भर के एक दिन के लिए रखना है, एक दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो कुछ इस तरह से है। इसको हमें छान लेना है। इस तरह से छानने के बाद आपको पहले इसे डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका आपको पांच भाग इसमें पानी मिलाना है। तो ये मेरे पास एक लीटर फर्टिलाइज़र है। अब इसमें मैं वो तीसरी चीज़ मिलाने वाली हूँ जो प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, मैग्नीशियम से भरपूर है, एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसे बोलते हैं, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। ये खाने वाला नमक नहीं है और प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। तो मैं इसको एक लीटर फर्टिलाइज़र में आधा चम्मच ये एप्सम साल्ट मिला रही हूँ। इस एप्सम साल्ट को आप डायरेक्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल पानी में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके प्लांट को सारे पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और पॉट की साइज़ के हिसाब से, छोटा पॉट है तो कम मात्रा फर्टिलाइज़र की और बड़ा पॉट है तो आप 100 से 200 ml फर्टिलाइज़र इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को डालते समय ध्यान रखें सुबह या शाम के समय इसको डालें, तेज़ धूप में आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें